गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट हिंदी सेकेंड व्याकरण व्योम। व्याकरण आज हम आपको व्याकरण व्योम के बारे में बताएंगे। चैप्टर जो 14 है वो पढ़ाएंगे। इससे पढ़ाने से पहले एक बार हम अपना सिलेबस आपको बता देते हैं, कहाँ तक आपका कोर्स हो चुका है इस सिलेबस की जानकारी तो ले लेते हैं। आपका सिलेबस है बेटा सेकेंड टर्म का चैप्टर 6 से वचन, ये भी आपका हो गया है। सर्वनाम ये भी आपका हो गया है। 8 विशेषण, क्रिया, पर्यायवाची, विलोम। चैप्टर 11 तक आपका सिलेबस कॉपी में हो चुका है क्लास में। आज हम चैप्टर 12 शब्द समूह के लिए एक शब्द, ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे और समझेंगे शब्द समूह के लिए एक शब्द के बारे में। आइए चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर 12 शब्द समूह के लिए एक शब्द, आइए इस पाठ को पढ़ के आपको समझाते हैं शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है। वाक्य को छोटा और सुंदर बनाने के लिए, जो हमारा वाक्य है उसको छोटा और सुंदर बनाने के लिए शब्द समूह के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। वाक्य को छोटा और सुंदर बनाने के लिए शब्द समूह के स्थान पर एक शब्द का जो प्रयोग किया जाता है, जैसे कैसे किया जाता है। रीमा बहुत दया करने वाली है, रीमा बहुत दया करने वाली है, तो रीमा के लिए दया करने वाली को क्या कहेंगे, इसके स्थान पर क्या लिखेंगे। शब्द समूह दया करने वाली के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करने से वाक्य छोटा और सुंदर हो जाएगा। ये जो हमारा वाक्य है रीमा बहुत दया करने वाली है, इस वाक्य को छोटा और सुंदर बनाने के लिए हमें एक शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा करना है। कौन सा शब्द है वो, रीमा बहुत दयालु, दया करने वाली को दयालु कहते हैं, तो रीमा बहुत दयालु है। ये छोटे से शब्द में हमारी बात पूरी हो गई है, सरल भी हो गई है और वाक्य भी अच्छा हो गया है, तो रीमा बहुत दयालु है। नीचे कुछ शब्द समूहों के लिए ऐसे शब्द दिए गए हैं जिन्हें हमें याद करना है, आपको याद करना है, समझना है किसके लिए क्या कहा है। फर्स्ट टर्म में आपको यहाँ से यहाँ तक आपको करवा दिया गया है। सेकंड टर्म हमारा यहाँ से स्टार्ट होना है 11 से और 20 तक सेकंड टर्म वाला है, उसको आप ध्यान से समझिए। जो मांस न खाता हो उसको क्या कहते हैं, मांस न खाने वाले को शाकाहारी। जो ईश्वर पर विश्वास रखता हो आस्तिक, जो ईश्वर पर विश्वास न रखता हो नास्तिक, जो पढ़ाता हो अध्यापक, साथ रहने वाला सहपाठी। सदा सत्य बोलने वाले को क्या कहते हैं, एक शब्द में क्या आएगा, सत्यवादी। सदा सत्य बोलने वाला सत्यवादी। इसके जो शब्द हैं शब्द समूह में से कुछ आपके जो हैं वो हम आपको पीडीएफ में आपको सेंड कर देंगे, उससे आप नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, जो हिंदी सेकंड की नोटबुक है उसमें आपको करना है। कौन कौन से करने हैं वो हम आपको बता देंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो ये प्रश्न एक दिया हुआ है इसको आपको हिंदी सेकेंड की नोटबुक पर करना है। इस जो प्रश्न दिया है इसका उत्तर आपको हिंदी सेकंड की नोटबुक में करना है, और शब्द समूह जो लिखवाएंगे आपको वो भी आपको नोटबुक में करने हैं। वो कौन कौन से करने हैं वो आपको हम बता देंगे। इसके बाद सही उत्तर पर चिन्ह लगाइए, ये आपके बुक में करवा दिए हैं, लेकिन जिसका नहीं है वो अपनी बुक में यहाँ से देख कर नोट कर सकता है। रोज़ होने वाला मासिक और दैनिक, तो इसमें कौन सा सही होगा, रोज होने वाला दैनिक है, जो आज्ञा मानता हो आज्ञाकारी। काम से जी चुराने वाला कामचोर, जो शहर में रहता हो शहरी। गार नंबर पे आपका दिया हुआ है, दिए गए शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, जो पढ़ाता हो अध्यापक। जिसका कोई ना हो उसे क्या कहते हैं, अनाथ। साथ पढ़ने वाला सहपाठी। दया करने वाला दयालु,
और लास्ट है बेटा आपका लालच करने वाला लालची। ये जो एक्सरसाइज है वो आपको बुक में करनी है, इसके पीडीएफ में आपको सेंड कर दिया जाएगा। लेकिन बेटा एक बार फिर बता रही हूँ, जो ये प्रश्न दिया है इसका ये प्रश्न उत्तर आपको अपनी नोटबुक में, हिंदी सेकंड की नोटबुक है उसमें आपको करना है। थैंक्स स्टूडेंट।